गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम एक्सरसाइजेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर 3. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ द मैचअप. ओके, नाउ मैचअप फर्स्ट इज द एशिया, पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया ग्लोब एंड द अफ्रीका एंड डेड सी. एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ सेकेंड इज अ पैसिफिक, पैसिफिक इज अ लार्जेस्ट ओशियंस. ओके, नाउ थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ ग्लोब, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ. नाउ अफ्रीका, अफ्रीका 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 इज अ डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट. नाउ नाउ लास्ट इज अ डेड सी, डेड सी मीन्स द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, सॉल्टिएस्ट सी. ओके, नाउ आई रिपीट वंस अगेन. ओके, द एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पैसिफिक, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियंस एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स. नाउ ग्लोब, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. अफ्रीका, अफ्रीका इज अ डार्क कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ लास्ट वन इज अ डेड सी, दैट इज सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, यस ऑल आर क्लिक, नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फोर मेजर डायरेक्शन, डायरेक्शन. ओके, ने द आंसर, देर आर फोर मेजर डायरेक्शन इज द फोर मेजर डायरेक्शंस आर, डायरेक्शंस आर. ओके, यू नो सबको, ऑल स्टूडेंट्स आर यू नो, द फर्स्ट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर द फोर मेजर डायरेक्शंस. नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप. ओके, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, ग्लोब एंड मैप में क्या डिफरेंस है. तो यू नो द मैप एंड डिफरेंस. तो फर्स्ट इज ग्लोब. ओके, ग्लोब अ बोल, रिप्रेजेंटिंग द अर्थ विद अ मैप, ऑफ द वर्ल्ड पॉइंटेड, पॉइंटेड ऑन इट. ओके, ग्लोब अ बॉल रिप्रेजेंटिंग द अर्थ,
with a map of the world pointed on it. ग्लोब एक मॉडल है जिसपे वर्ल्ड का जो मैप है उस पर पॉइंटेड किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज अ मैप. व्हाट इज अ मैप? ओके, मैप मैप अ डायोग्राम डायग्राम ऑफ अ पार्ट और ऑल ऑफ All of the earth surface on paper is called map. Okay, a diagram of a part of or all of the earth surface on paper. इस कॉल में ये क्या है, एक इस पे पेपर, किसी पेपर के ऊपर, किसी फ्लैट पेपर के ऊपर किसी भी जगह का जो मैप बनाया जाता है, ड्राइंग की जाती है, वो क्या है? मैप. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अ ओके नाउ नेक्स्ट इज ओके क्वेश्चन नंबर 3. What is difference between a continent and the and oceans? Oceans. Okay. What is the difference between continents and the oceans? Clear? Now the answer is, first is continent. Okay, continent, a very large unbroken masses of land. Okay, what is a continent? A very large unbroken mass of land. Land ka wah hissa jahan par matlab kisi ko block nahi kiya. Now next is oceans. A very large body of water on the earth. Okay, तो oceans क्या है? Very large body of water. पानी का वह हिस्सा जहाँ पर पानी पानी दिखाई देता है, अर्थ का वह जहाँ पर पानी पानी दिखाई देता है, जो बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वाटर माना जाए वो क्या कहलाता है? हमारा oceans. तो बहुत डिफरेंसेस, यू नो द मैप एंड ग्लोब एंड मैप अंडरस्टूड, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर कंप्लीटली अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एटलस? I know all students understood this question. So what is the map and atlas? The atlas is a book of map. Maps is called atlas. Okay. Okay, a book of maps is called atlas. Now next one is, can you see the whole earth
ऑफ होल ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब एट द सेम टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सी द होल ऑफ द अर्थ ऑन द ग्लोब एट द सेम टाइम. क्या एक समय में हम पूरी अर्थ को देख सकते हैं? पॉसिबल है? नॉट ना. तो नो द नॉट पॉसिबल कि वी कैन सी इन द होल अर्थ ऑन द वन सेम टाइम्स. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ सेम टाइम्स. नो नो द नो वी कैन नॉट सी द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब एट द सेम टाइम. हम एक ही समय में अर्थ को पूरा नहीं दे सकते. जब तक हम उसको टर्न नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं होगा. तो हम एक टाइम में उसका हाफ पार्ट सी करेंगे एंड उसका अदर हाफ पार्ट को देखने के लिए हम उसको टर्न करना पड़ेगा. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज six write the name of seven continents. Okay, write the name of seven continents. I hope all are learn this answer. Okay, there are seven continents are. Okay, the seven continents continents are. Okay, first is Asia, Africa, Europe, North America, South America, ओके ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ओके देर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स आर देयर. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. देर आर द सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. Now next question is write the name of five oceans. ओके राइट द नेम ऑफ द फाइव ओशंस. हम यहाँ पर फाइव ओशंस के नेम राइट करेंगे. द फाइव ओशंस आर ओके फर्स्ट इज अ पैसिफिक ओशंस, सेकेंड इज अ आर्कटिक ओशंस. Now next is a Atlantic oceans and Indian oceans
एंड लास्ट इज अ सर्दन या अंटार्कटिक ओशन. सर्दन या फिर जिसको सर्दन ओशियंस या फिर और एंटार्कटिक ओशंस. ओके, देयर आर फाइव ओशंस, पैसिफिक ओशंस, आर्कटिक ओशंस, एटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस एंड लास्ट इज सर्दन ओशन या फिर एंटार्कटिक ओशन. देयर आर फाइव ओशंस एंड सेवन कॉन्टिनेंट्स. इन दिस चैप्टर ऑल एक्सरसाइज एंड ऑल क्वेश्चन आंसर आर फिल. ओके, नाउ सम हो गया ना, कंप्लीट दिस वर्क. तो इन दिस वर्क डू इन योर नोटबुक्स एंड प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड आई विल चेक इन आफ्टर सम टाइम. थैंक यू.